नमस्कार। प्रधानमंत्री जी अभी हैं नहीं, शीघ्र ही आते होंगे, बट मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी एंड मेरे साथियों एंड ऑनरेबल डिग्निट्रीज, पिछले साल सितंबर में वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं एनिवर्सरी पर मैं यहाँ आया था और प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आइडियाज़, इमेजिनेशन और प्रोसेस कंटिन्यूटी के आधार पर इस मेगा ग्लोबल इवेंट को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये बताया कि कैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की सच्ची भावनाओं को लेकर भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी और हर इंटरनेशनल फोरम में पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री भाई पटेल जी, मैं आपको भी डेवलपमेंट को आगे रखने और इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और एडमिनिस्ट्रेशन को स्तर ऊंचा उठाने के लिए बधाई देता हूं। गुजरात में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की एक पहचान रही है और जिसमें मेरी कंपनी ने भी अनुभव किया है। स्टील किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल सेक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रेलवेज आदि में बहुत उपयोग होता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम रूप से लाकर हम हाई एंड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जो SME से स्टार्टअप तक के स्टील कंज्यूमर्स को कम्पिटिटिव बनाने में मदद कर रहा है। गुजरात ने आज से 4 साल पहले ArcelorMittal निपन स्टील इंडिया का स्वागत किया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे हजीरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की थी। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहा है और लक्ष्य के अनुसार इसका फेज़ 1 2026 में पूरा हो जाएगा। आज वाइब्रेंट गुजरात 2024 के इस मौके पर हमने सेकंड फेज़ के लिए MOU साइन किए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ ArcelorMittal निपन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात सरकार के सहयोग के साथ हम इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा करने में सफल होंगे। हम केवल स्टील में नहीं है बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में भी निवेश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देश के लिए अगला 20 साल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के 2047 के विजन को पूरा करने के लिए हम रेडी हैं। मैं इन सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब, इन सब लोगों को मेरे को मंच पे आने के लिए मौका देने के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।